खबर रायसेन से है, जहां ग्राम पंचायत हकीम खेड़ी में अवैध उत्खनन की शिकायतें कई दिनों से आ रही थी, जिस पर कार्रवाई के लिए रायसेन वन विभाग की ओर से एक टीम बनाकर हकीम खेड़ी में चल रहे अवैध उत्खनन पर पहुंची, तो वहां पर खनिज माफियाओं के लोगों ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया है। हमले में डिप्टी लालचंद पूर्व गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। वहीं वन विभाग की ओर से हमला करने वाले व्यक्तियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी भी की जा रही है। मौके पर रास्ते बंद करने का कार्य कर रहा था ताकि उत्खननकर्ता वन क्षेत्र में दाखिल ना हो जाए। इसके लिए पहले बावलिया से गड्ढे बंद किए गए, फिर हकीम भेड़ी की तरफ पहुंचे, तो हकीम भेड़ी के सरपंच फतीह ट्रॉफी इनके साथ इन्होंने 40-50 लोगों को इकट्ठा करके वहां स्टाफ को डराना धमकाना और डंडे हॉकी स्टिक आदि लेकर पहुँच गए और उनके साथ सुलेमान खां, हकीम खां, कुछ लोग जो काफ़ी मात्रा में हंगामा शोर शराबा करने लगे थे, इनके साथ काफ़ी 40-50 लोग इकट्ठा हो गए और स्टाफ के द्वारा बार बार समझाया गया कि ये आप शासकीय कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं, ये आपका निजी कार्य नहीं है। फिर भी बार बार मना करने पर भी भीड़ द्वारा स्टाफ पर हमला कर दिया गया, जिसमें डिप्टी रेंजर लाल सिंह पूर्वी को गंभीर चोटें आई है। उनके सर में हॉकी स्टिक मारी गई है, हाथ का फ्रैक्चर हुआ है, सर से खून बह रहा है और अन्य स्टाफ को भी चोटें आई है। इस तरह से इन्होंने शासकीय कार्य में बाधा की, एक शासकीय सेवक को जान से मारने का प्रयास किया गया, उनको गंभीर चोटें आई हैं। ये डिपार्टमेंट के द्वारा इनको लाया गया था अस्पताल में, कुछ लोगों ने इनको मारा है, उस सर में थोड़ी चोट है जिससे सूजन आ रही है, उनको स्वेलिंग है, उनको ऑक्सीपिटल रीजन पे पीछे साइड में और हाथ में भी स्वेलिंग है, छाती में भी लगी हुई है, वहाँ भी सूजन आ रही है, स्वेलिंग आ रही है, तो उनका भी प्राथमिक उपचार हमने किया हुआ है, साथ में सीटी स्कैन और एक्सरे कराएंगे, बाकी वाइटली अभी स्टेबल है, बीपी शुगर वगैरह सब ठीक है, पर थोड़े से डिसओरिएंटेड है, बाकी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर हम आपको ज़्यादा बता पाएंगे।